यहाँ पे इसे आप पढ़ सकते हैं, इस पार्क के बारे में। तो ये है अशोक स्तंभ, जो मदन मोहन मालवीय पार्क में स्थापित किया गया, बहुत ही पुराना है, जिसे मिंटो पार्क भी पहले कहते थे, अब जो है मदन मोहन मालवीय पार्क नाम रख दिया गया है। मदन मोहन मालवीय पार्क इसलिए रखा गया कि इन्हीं की अध्यक्षता में ये जो पार्क बना था, और लॉर्ड मिंटो जो थे उनकी अध्यक्षता में पूरा यहीं पे जो मैग्ना काटा पड़े थे आपके कैनिन। अब मैं आ चुका हूँ अशोक पिलर के पास, अशोक स्तंभ पिलर के पास, जो कि मदन मोहन मालवीय पार्क में स्थित है, जिसे मिंटो पार्क भी कहते हैं। मिंटो पार्क इसका पहले नाम था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1958 ईस्वी में इस पार्क के लिए, उन्हीं की अध्यक्षता में पार्क बनाया गया था। उससे पहले मिंटो, जो लॉर्ड मिंटो थे, यानी लॉर्ड कैनिंग ने मैग्ना काटा पड़ा था, फिर इसके बाद लॉर्ड मिंटो ने इस पार्क की स्थापना की थी, और इसके अध्यक्षता में जो आपके थे मदन मोहन मालवीय जी ने एक राहत कोष फंड की स्थापना की, जिसके तहत जितने भी भारत के नवाब थे, बड़े बड़े सम्मानित लोग थे, उन लोगों से 1,20,000 रुपये लेकर इस पार्क की स्थापना करवाए थे। इसलिए जो है मिंटो पार्क इस नाम का पड़ा। और स्तंभ जो है अशोक पिलर स्तंभ का महत्व तो आप लोग जानते ही हैं। हाथ जोड़कर मैं अपील कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो सब्सक्राइब किए उनके लिए मैं दिल से सैल्यूट कर रहा हूँ, और जो लोग नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। पूरा इस वीडियो में मैं बस कवर करूँगा अशोक पिलर को, और फिर जो है मिंटो पार्क को। दो तो पार्क के बीचों बीच आपका ही ये अशोक स्तंभ या अशोक पिलर स्थापित किया गया है, पूरा संगमरमर द्वारा। और यहाँ पे जो है कुछ इसकी लिखाई है तो मिट चुका है, इसका जो लिखावट है। मीठा है, मिट चुका है। तो यहाँ से देखिए आपका यमुना ब्रिज दिखाई दे रहा है। और ठीक बीचों बीच में आपका ये जो है अशोक पिलर स्थापित किया गया है। भारत का मैग्ना काटा, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा मैग्ना काटा, इसे आप पढ़ सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। कितना